अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू अनदर बैकॉक्स तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली जी मॉर्निंग हो चुकी थी आज पता है मैं कितने बजे उठी हूँ साढ़े छे बजे खैर उठ के मैंने रहा के लिए सबसे पहले जी लंच बॉक्स रेडी किया आ, प्राइस बन रही थी मैंने कहा मैं जल्दी से सामान रहा का करूँ इकट्ठा यूनिफॉर्म शूज सॉक्स हर चीज़ ताकि मैं फिर रुहान को भी उठा सकूँ यहाँ से मैंने रुहान का ना यूनिफॉर्म दोनों प्रेस कर लिए हुए थे और कहा चले मैं रूम में रखती ही हूँ इसको और इसको रूम में रखने के बाद फिर मैं शूज़ ढूंढने लग कहा शूज़ की तरह शूज़ की तरह ख़ैर यहाँ पास ही पड़े हुए थे फिर मैंने जी पकड़े इधर से शूज़ और जी साथ पकड़े सॉक्स सॉक्स पकड़ कर रखे जी फिर चेयर पर कहा सामान इकट्ठा हो ताकि रुहाना है मैं उसका मुँह हाथ तो चेंजिंग करवाऊँ यहाँ पर रुहान सोया हुआ था गहरी नींद ओ माय गॉड अच्छा <coughs> यहाँ रूहान उठ गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह फ़्रेश उठा था बिल्कुल भी तंग नहीं किया रुहान ने और शुक्र है अल्लाह का उठ गया था हालाँकि रात को लेट सोए हैं हम क्योंकि मामा की तरफ़ से आई थी तो आके फिर रुहान को नहलाया भी बहुत सारे काम करने वाले थे सारे काम ख़त्म करके फिर रुहान को कहीं ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के करीब मैंने सुलाया और यहाँ पर रोहन कह रहा था जी हेलो गाइस और इसके बाद बस जी लंच बॉक्स में रेडी करने लगी थी सबसे पहले जी नीचे वाले मैंने बॉक्स में फ्राइज ऐड करके रखी जो कि मैंने फ्राई कर ली हुई थी मैंने का पता नहीं खा ले सही कुछ ये बहुत ज़्यादा मोटी है बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता अपने हाथ से ज़बरदस्ती खिलाऊं तो खाता है फिर इसके ऊपर मैं मैंने टिश्यू रख दिया मैंगा सॉफ्ट ही ना हो जाए बिल्कुल तो उसके बाद जी फिर से ऊपर बॉक्स रखा इसके अंदर जी मैंने फिर क्यूकम्बर्स तो बहुत शौक से खाता है ना ये फिर मैंने कहा चलो मैं ये काट के रख देती हूँ कुछ ना कुछ तो नाश्ते में भी जस्ट हाफ पीडर दूध पी के गया बस खैर यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर्स रखे और साथ आ, मैंने भुने वे चने लिए थे मैंने कहा साथ थोड़े से मैं वो ऐड कर देती हूँ जो रहान का दिल करेगा खाने को वो चीज़ खा लेगा और शुक्र अलहमदिल्ला रुहान माशाल्लाह खुशी खुशी गया और हर चीज़ फिनिश करके आया थोड़ी सी प्राइस थी अंदर जो आकर उसने मिरहा को दे दी तो मिर्हा ने खाई फिर और यहाँ पे बस रेडी था लंच बॉक्स भी वाटर कैन भी और यहाँ पे मैंने चीज़ें रेडी कर ली हुई थी अब रोहान भी उठा हुआ था रोहान को मैंने फीडर दिया था वो दूध पी रहा था ड्रेस वगैरह चेंज करवा दिया था मैं फुल लुक रोहान की दिखाती हूँ ये देखे जी माशाल्लाह माशाल्लाह अब भी रूहान की बहुत सी चीज़ें मिसिंग है जो मुझे मिल नहीं रही इसकी टाई भी नहीं मिली जहाँ से उन्होंने बोला था मैं वहाँ से जाकर दो तीन दिनों लगातार बता कर रही हूँ बट नहीं मिली यहाँ पर रुहान मिल रहा था जी अबू से आ, कह रहा था अब मैं जा रहा हूँ से मिल लिया था रुहान ने सब बहुत खुश थे और रुहान भी यहाँ पर जी महानूर भी रेडी हो गई थी आ, स्कूल जाने के लिए बस जी यहाँ से हम निकले हैं रूहान के पापा ने निकाली बाइक रुहान पीछे पीछे था और मैं रूहान के पीछे थी और आज ना दुनिया बदली हुई थी बिल्कुल इतनी जल्दी उठ के ना यकीन जाने जैसा आज का दिन मेरा गुजरा ना मैं क्या ही बताऊँ आपको सर दर्द दिमाग भारी अजीब सी कैफियत रही है आ, सो के उठ गई हूँ फिर भी नींद नहीं पूरी हुई ठीक से खैर यहाँ पे बैठी हूँ मैं तो हमने रोहान के सबसे पहले पिक करनी थी जी बुक्स और फिर हम गए हैं जी जहाँ पे हमने बुक्स थी बस बुक्स रेडी हो गई थी तकरीबन पौने आठ का टाइम हो चुका था जब हम घर से निकले थे जल्दी जल्दी बस उन्होंने बुक्स दी थी। मैंने बैग में रखी यहाँ से हमें डायरी भी नहीं मिली और रोहान के टाइप को नहीं मिले आ, इसके अलावा जी बस बुक्स मैंने सारी इकट्ठी की हैं तो रुहान के बाबा को मैं दीमन का ये बैग में रखते हैं बस ये हम यहाँ से निकले हैं जी सीधा स्कूल के लिए आ, हम वापस गए हैं फिर स्कूल की तरफ क्योंकि बुक्स शॉप जरा स्कूल से थोड़ी सी आगे थी और यहाँ पे रुहान माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ गया था क्लास में जाके मैं आपको क्लास का टूर भी करवाती हूँ ये देखे ज़रा माशा माशा अल्लाह पा ख़ ख़ैर खरीत का वक्त लाए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़